सब पर रिएक्ट करने वाली हूँ और लॉरेंस बिश्नोई टेक लाइव सो बिफोर आई स्टार्ट हेलो एंड हैप्पी डे नाइट वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो लेट्स गो। दिल नहीं करता कि जेल से बाहर आना है बाहर आ जाएं, क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही हूँ, लड़ाई झगड़े केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये अपराध की दुनिया छोड़ दे। इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं? हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में अपराध नहीं है। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे यार भाइयों को मरवा देते हैं तब भी तो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। मैं तो सर मैंने शुरू में आपको कहा था हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, मैं आतंकवादी बना दिया उन्होंने बिना मतलब के ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में, ये सिद्धू मर गया इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं और इससे पहले हुई नहीं, इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये पूरा दुनिया को, ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी ने हमारे वाले मरे थे तब तो इनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसे ही होती हैं सर, फिर ये मर गए आप हमारी वाली जाने भी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगे। हमारे वाले मरे थे तब तो किसी को पकड़े नहीं, FIRों में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था हमारे साथ वालों को उठा उठा के केस डाल दिया उसने, ओपन आई FIR पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों के केस डाल। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं, गुंडा जैसे सर जिसने सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा, 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ठीक है। शाबाश बेटा। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से, शक ही है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए, इसमें सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए, जिनके घर में एक दिन पानी भी है वो भी जेल काट रहे हैं जी, पीटा वो अलग उनको, इस शक के चक्कर में। इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। सिर्फ एक गाने की वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग के बीच मारा गया, पर कैसे आइए जानते हैं। 2020 में सिद्धू का एक गाना आया था जिसका नाम था बम्बिया बोले। बम्बिया वैसे तो पंजाबी में एक पक्षी को कहते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के अनुसार सिद्धू मूसेवाला इस पूरे गाने में इनकी विरोधी बम्बिया गैंग की तारीफ कर रहा था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को तापिया मारकर चुनौती दे रहा था। गोल्डी बरार ने बताया कि सिद्धू के बम्बिया बोले गाने के बाद ही इन्होंने हत्या का प्लान बनाया था। अगर आप गोल्डी ब्रार को नहीं जानते तो ये वही इंसान है जिसने मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी उठाई थी और इसने हत्या भी इनके ही गाने के अनुसार की। जैसे 2021 में सिद्धू का एक गाना आया था जिसके लिरिक्स कुछ इस तरह थे। और ये है सिद्धू मूसेवाले की थार जिसमें इनकी मौत हुई थी, जिसे देखकर लगता है कि ठीक गाने की लिरिक्स के हिसाब से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया हो। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गोल्डी बरार के बारे में आप तो जानते ही हो, जिसने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया था। तो अभी इन लोगों ने दिल्ली के फेमस गैंगस्टर टिल्लू ताज पुरिया को जेल में घुस कर मार डाला। पर इस हमले के बाद सामने आई ये दो बातें जानकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। नंबर 2, ये मर्डर किसी ऐरे गहरे जेल में नहीं बल्कि भारत के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल में हुआ है। इस जेल में 7500 कैमरे लगे हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी कुछ लोग लोहे की रॉड लेकर जेल के अंदर घुसते हैं और टिल्लू ताज पुरिया के शरीर में 90 से ज्यादा बार लोहे की रॉड से छेद कर मारा जाता है। इस घटना से मुझे लगता है सलमान खान की सिक्योरिटी सही टाइम पर बढ़ाई गई है। नंबर 1, ये थोड़ा पुराना और जेल के अंदर का वीडियो है जिसमें आप देख रहे हो टिल्लू ताज पुरिया और उसके साथी जेल के अंदर मजे कर रहे हैं। वैसे इस जेल का हुलिया इस फोटो से मैच करता है जो कि तिहाड़ जेल का है, मतलब जितना बड़ा जेल उतनी ज्यादा सुविधाएं। मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे। चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर, दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जैसा मर्जी हो सर, फिर हम अपने रिएक्शन में अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी पंजे मारता ही। NIA ने ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में लगभग 700 के आसपास शार्प शूटर मौजूद हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैंग कितनी बड़ी होगी। फेसबुक पर आपको इनके इतने सारे अकाउंट मिल जाएंगे।
ऐसी पहली गैंग देखी है जो कांड करने से पहले फेसबुक पर पोस्ट डालकर उसकी जानकारी देती है, पहले उसको चैलेंज करती है और जब टास्क पूरा हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से फेसबुक पर पोस्ट डालकर उसका जवाब दिया जाता है। हर दूसरे दिन इनका नया फेसबुक अकाउंट बनता रहता है। इनकी इन हरकतों को देखकर पुलिस खुद हड़बड़ाई सी लग रही है। आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि पुलिस इस गैंग को खत्म कर पाती है या नहीं। दोस्तों, इससे भी बड़ी बात ये है कि आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई जानबूझकर क्राइम की दुनिया में नहीं आया। एक मीडिया इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि जब वह 21 साल का था तो बिना किसी गुनाह के सिर्फ मेरी वजह से उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जब वह बाहर निकला तो भी वह इस अपराध की दुनिया से दूर जाना चाहता था, लेकिन दूसरे गैंग वाले गैंगस्टरों ने मेरे भाई अनमोल को परेशान करना शुरू कर दिया और उसकी जान तक के दुश्मन बन गए। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे दुश्मन हैं जो उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को खत्म करके लॉरेंस को तोड़ देना चाहते हैं। यही कारण था कि अनमोल बिश्नोई को इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। अब अनमोल बिश्नोई विदेश में रहकर वहीं से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ऑपरेट कर रहा है। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना। नहीं सर, उसे परिवार से तो माफी मांगना होता है, उस परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं जी। उसे परिवार से हमारा क्या द्वेष, सिद्धू तक जिंदा था उसके शरीर से हमारा द्वेष था। अब तो माँ बाप का होनहार लड़का हमने मार दिया, अब तो 1 साल होने को जा रहा है, अब पछतावा होता है थोड़ा या नहीं? होनार तो चलो सर था, होनार हम भी बड़े हैं सर होनार हम भी बड़े हैं, पर वो हमारे भाई को मरवा दिया उसने। अगर हमारे के साथ वाले को मराएगा तो उसका तो रिएक्शन होगा ना। गैंगवार में घुस रहा था सर, वो हमारी आपस की लड़ाई में घुस रहा था, कोई अपना सिंगिंग करे जी। कितने सिंगर प्रोटेक्शन मनी देते हैं गैंगस्टरों को? अबे तो अभी तक किसी ने दी नहीं जी। तो ये NIA जांच किस चीज की कर रहा है? पूछ लो NIA में पहले, एक आदमी को पकड़ाओ जिसने पैसे दिए हमें। ये तो ऐसे सर हुआ मना रहे हैं बिना मतलब के। नहीं, ये तो आपको लगता है ना, वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है, आप तो हंस रहे हो इस बात पे। हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना, क्योंकि बाद उसके बाद शुरू हुई है जी। यार ये इनका मतलब है ना, पता है आपको ऊपर की चीजें पता है, बट एक्चुअली डीप में देखा जाए तो पहले इसने मारा, फिर उसने मारा, फिर उसका बदला लेने के लिए इसने मारा। एंड ये सारे गैंग वॉर होते ना, ये गैंग वॉर से रिलेटेड मतलब इस पे एक मूवी निकल सकती, बोलते ना एकदम खतरनाक वाली वैसे। और फिर लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी थोड़ा उनके जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा कट्स में डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो वो इंडिया में नहीं रहते, क्योंकि सेम चीज प्रोटेक्शन एंड सारी चीजें हो सकती है, यहाँ पे रहेंगे तो शायद पता नहीं क्या हो सकता है एंड ऑल। कितनी सारी चीजें, माँ कसम 700 शूटर 700 और गोल्डी ब्रार भी इंडिया से ऑपरेट नहीं करते, बाहर से करते हैं एवरीथिंग। माँ कसम खतरनाक। मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की, बट है ना मैंने एक दो वीडियोस पे रिएक्ट किया जहाँ पे आपने बोला अरे ये फेक है, ये फेक है, मतलब लाइक कि पहले क्या हुआ था, लाइक उनकी गर्लफ्रेंड को जिंदा चला देना या फिर उनके किसी भाई या किसी को तो मार देना, किसी गैंग का ही दोस्त को मार देना है कुछ, उसके बाद ये सारी चीजें होने लगी। एंड फेसबुक वाली चीज में मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखी कि वो लोग फेसबुक पे अनाउंस करते हैं। अब मेरे को नहीं पता, मैं वही सोचा आपको कैसे पता कि ये रियल अकाउंट है या नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो हमेशा नया अकाउंट बना के कमेंट करते हैं, तो आई हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है एंड एवरीथिंग। ओ माई गॉड, आपको क्या कहना है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाल, बाय।